नेक्स्ट, इससे पहले हमने एरोमेटिसिटी की बात की थी, तो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं एरोमेटिसिटी के, फर्दर आगे उस पहली वीडियो के आगे। तो कुछ कंपाउंड्स बचे, जैसे कि 5 मेंबर, 7 मेंबर और 8 मेंबर जो रिंग्स हैं। इससे पहले 6 मेंबर्स की हमने बात की थी इससे पहली वीडियो में, तो वो भी एरोमेटिक हैं। उनमें भी 4n+2 फॉलो करती हैं, 4n+2 रोल प्लेनर हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। जैसे बच्चों, इसमें यहाँ पर हम ले रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल थायोफिन। पायरोल थायोफिन एंड फ्यूरान आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ एरोमेटिसिटी। जो 5 मेंबर की बात करेंगे तो इनमें एग्जाम्पल्स है पायरोल थायोफिन और फ्यूरान। तो इनके अंदर बच्चों रेजोनेंस एनर्जी, अगर बात करें हम किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी ये जो यूनिट्स हैं किलो कैलोरी पर मोल में, ये 21 है, 29 है थायोफिन की, फ्यूरान। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक इन तीन में कौन सी, थायोफिन है, उसके बाद पायरोल है, उसके बाद प्यूरान है। तो रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिक्स कैन आल्सो बी शोन बाय कॉनिकल फॉर्म। तो बच्चों इसका जो लोन पेयर है, इसको डिलोकलाइजेशन से हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कि मतलब ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जिनमें इंक्लूड है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ऐसे बच्चों थायोफिन में, फ्यूरान में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी बात करेंगे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिस्टेबलाइज आएगी, इसे ऑक्सीजन की जो एरोमेटिसिटी है यार, इतना अच्छे से डीलोकलाइजेशन ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा। थायोफिन में सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक सबसे कम है, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर 29 है। और पायरोल है उसके बाद, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन के, सबसे ज़्यादा इसे डिस्टेबलाइज करे होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीजन, तो उसकी एरोमेटिसिटी हम मान सकते हैं कि उसकी कम आ रही होगी। तो बच्चों ये तीनों जो है 6 6 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर, तीनों के अंदर प्लेनर है, तो सारी हकल्स रूल को फॉलो कर रही है, इसलिए सारे के सारे कंपाउंड क्या है, ये एरोमेटिक है। और यहाँ पर बच्चों जैसे सल ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं, तो एक लोन पेयर को हम क्या इंक्लूड करते हैं, रेजोनेंस में इंक्लूड करते हैं, बाकी एक लोन पेयर क्या रह जाता है, परपेंडिकुलर रह जाता है। उसकी स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों पायरोल का प्रीडीन के साथ में। द अनशेयर्ड पेयर इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर ए इज पायरोल इज नीडेड फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक सेक्सटेट। तो एरोमेटिसिटी के लिए नाइट्रोजन पर जो एक लोन पेयर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन प्रीडीन के अंदर जो लोन पेयर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज वाई पायरोल इज मच वीकर बेस देन प्रीडीन। इसलिए पायरोल क्या है, मच वीकर बेस है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहाँ पर तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जो पायरोल है, जो पायरोल की स्ट्रक्चर हो गई है, नाइट्रोजन। तो जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि पिरीडीन, हाँ अगर पायरोल है तो उसका नाइट्रोजन जो बच्चों इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करा है उसके पास जो लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन भी अटैच है, तो इसके पैरेलल आ जाता है। इन पी ऑर्बिटल्स के क्या है, ये पैरेलल है ये पी ऑर्बिटल, और इनमें डिलोकलाइजेशन इस 2 लोन पेयर्स को लेकर के हो रहा है। लेकिन हम पिरीडीन का नाइट्रोजन पे जो बच्चों हाइड्रोजन तो है ना, ये लोन पेयर जो आउटसाइड रहता है, और ये हाइड्रोजन अगर पी ऑर्बिटल इस तरह, तो उनके परपेंडिकुलर है, लंबवत है 90 डिग्री के एंगल पर, और ये लोन पेयर के इस तरह डिलोकलाइजेशन में इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये परपेंडिकुलर रहता है जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है। जबकि जब इसमें देखेंगे हम पायरोल का जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इन डबल बॉन्ड्स के साथ एरोमेटिसिटी में। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, अगर ये यहाँ पर अगर बच्चों ये एच प्लस को पर अटैक करेगा, मतलब एज ए बेसिक करेक्टर अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एच प्लस, ये जब एच प्लस के साथ जा रहा है तो यहाँ एरोमेटिसिटी ब्रेकआउट हो जा रही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर एच एच हो गया यहाँ पर। जबकि प्रीडीन मोर बेसिक क्यों हो गया है बच्चों, क्योंकि इसका लोन पेयर तो ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एरोमेटिसिटी में, बाहर की साइड है, और ये इजीली जो है एच प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए प्रीडीन जो है बच्चों मोर बेसिक है, मोर बेसिक है, मोर बेसिक देन पायरोल। क्योंकि पायरोल जब अपना लोन पेयर देगा एच प्लस को, तो वो क्या है बच्चों, उसकी एरोमेटिसिटी ब्रेकआउट हो जाएगी, जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन को देने के बाद, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है। जबकि प्रीडीन का जो लोन पेयर है बच्चों आउटसाइड रहता है, इस तरह से रहता है, और डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए प्रीडीन क्या होगी, मोर बेसिक होगी, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो किसको दे सकता है, एच प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो उनमें ऑक्सीजन पर बच्चों एक लोन पेयर तो डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा लोन पेयर क्या रहता है, उसके परपेंडिकुलर रहता है वो।
तो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसलिए हम 6 इलेक्ट्रॉन में कितने करेंगे, केवल इसका एक ही लोन पेयर काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इस बॉन्ड के और 2 क्या है इस बॉन्ड के, तो टोटल इसके पास कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का डिक्लोकलाइजेशन है। ऐसे सल्फर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। दूसरा कहाँ रहता है, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो जाता है, जो परपेंडिकुलर रहेगा इन ऑर्बिटल्स के, जो क्या कर रहे हैं एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो इनका केवल एक ही लोन पेयर काउंट करना है एरोमेटिसिटी में, 2 इलेक्ट्रॉन केवल, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं करने हैं क्योंकि 2-2 लोन पेयर है, और इसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करता है डिलोकलाइजेशन, इसलिए पायरोल लेस बेसिक है, जबकि पिरिडीन का लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो परपेंडिकुलर रहता है, तो क्या हो गया बच्चों, पिरिडीन हो गई मोर बेसिक हो गई। तो यहाँ पर सारी रीजनिंग आपको क्लियर हो गई होगी इस चीज़ की, जो कि हम बात कर रहे थे कि इन कॉन्ट्रास्ट पिरिडीन द अनशेयर्ड पेयर इन केमिकल स्ट्रक्चर ए इन पायरोल, पायरोल के अंदर इज नीडेड फॉर एरोमेटिक सेक्सटेट, दिस इज वाई पायरोल इज मच बीकर बेस, इसलिए मच बीकर बेस है पिरिडीन से, क्योंकि पिरिडीन का जो लोन पेयर जो हाइड्रोजन को दे रहा है एच प्लस को, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। द फिफ्थ फिफ्थ एटम मे बी कार्बन, इफ इट इज, फिफ्थ एटम क्या हो सकता है बच्चों, कार्बन भी हो सकता है, जैसे कि साइक्लोपेंटाडाइन में देखेंगे, साइक्लोपेंटाडाइन हैज अनएक्सपेक्टेड एसिडिक करेक्टर, साइक्लोपेंटाडाइन बच्चों क्या है, अनएक्सपेक्टेडली एसिडिक है, रीजन सोचो क्यों, आपको रीजनिंग सोचिए क्यों ये अनएक्सपेक्टेडली एसिडिक है, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक का मतलब है ये इजिली एच प्लस डोनेट कर देगी, बच्चों रीजनिंग देखते हैं इसकी, सिंस जैसे ही एच प्लस अपना डोनेट कर पाएगा, एच प्लस डोनेट करने से क्या हो रहा है बच्चों, ये एरोमेटिक हो जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इस समय ये एरोमेटिक नहीं क्योंकि ये कार्बन क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये एच प्लस लूज कर देगा तो इसके कार्बन पर क्या हो गया, एनायन बन गया, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, केवल एक एच रह गया और इसके ब्रेकआउट होने से यहाँ पर क्या बन गया, कार्बो एनायन बन गया, और ये साइक्लिक तो हो ही गया है, और दूसरा 6, अब इस समय कितने हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों ये 2 इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और इस पे एनायन आ गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इंक्लूडिंग दिस लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए ये हाइड्रोजन एच प्लस क्या हो जाता है, अनएक्सपेक्टेडली एसिडिक हो जाता है, सिंस ओन लूज ऑफ प्रोटॉन द रिजल्टिंग कार्बो एनायन इज ग्रेटली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की वजह से काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगा, एच प्लस ये लूज कर दे तो ये बेस के साथ इजीली रिएक्ट कर लेगा, एच प्लस रिलीज कर देगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि क्या है ले रहा है बच्चों, डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिक हो गया कंपाउंड। दूसरा बच्चों, इनमें अगर कंपेरिजन किया जाए बेंजीन से, तो सबसे ज़्यादा बेंजीन एरोमेटिक है, उसके बाद थायोफिन आता है, फिर पायरोल आता है, और फिर प्यूरान आता है। एच प्लस लूज क्योंकि, और बच्चों ये जो है जिस 5 कार्बन आर इक्विवेलेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा उनमें एरोमेटिक है, ज़्यादा पायरोल फ्यूरान से ज़्यादा एरोमेटिक है, क्योंकि इनके सारे के सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या इक्विवेलेंट है, अगर इनको जो बच्चों आइसोटोपिक स्टडी की जाए, अगर लेबलिंग कर दे कार्बन की 14 कार्बन कर दे, तो सारे के सारे कार्बन पाए गए कि वो इक्विवेलेंट है, जबकि उनमें तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रहेगा, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है इक्विवेलेंट नहीं है। और एरोमेटिक सिस्टम एज एक्सपेक्टेड एरोमेटिक सिस्टम साइक्लोपेंटाडाइनाइड आयन इज डायट्रोपिक, तो ये टर्म क्या डायट्रोपिक, डायट्रोपिक कहने का मतलब होता है बच्चों जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जो उनके ऑर्बिटल्स हैं इस तरह के ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, जैसे रिंग बनाते हैं हम, हमने ये इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में सीखा है, तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे 2 डिजनरेट, एक ये यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, ये ऑर्बिटल की एनर्जी जिसकी निकल करके आएंगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आबो के अकॉर्डिंग, पहले 2 इस ऑर्बिटल में, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो सारे के सारे क्या हैं डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तो डायट्रोपिक कहलाते हैं इस तरह के, डायट्रोपिक, इसको हम इसको डायट्रोपिक को मैग्नेटिक एनएमआर में और पढ़ेंगे हम, एनएमआर से और अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि डायट्रोपिक कमी नहीं यहाँ पर क्या है, फिलहाल ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर होने की वजह से डायट्रोपिक है, जबकि हम देखेंगे बच्चों एंटी एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें हम इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसके ऑर्बिटल में बच्चों साइक्लोबिटाडाइन के लिए, तो साइक्लोबिटाडाइन के जो ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों इस तरह से ऑर्बिटल बना सकते हैं उसके, एक पहले नीचे रहेगा इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और फिर 2 डीजनरेट, फिर 1/3 एंटीबॉडी डीजनरेट, 1 एंटीबॉडी,
कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो ये क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आता है, 2 यहाँ पर आए, एक यहाँ यहाँ, तो ये कैसे रहते हैं, पैराट्रोपिक। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होते हैं, पैराट्रोपिक होते हैं। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। तो पैराट्रोपिक और डायाट्रोपिक समझ में आया होगा बच्चों, डायाट्रोपिक मतलब क्योंकि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर है इनका, तो डायाट्रोपिक है। एनएमआर से ये टर्म आएगी उनकी डेल्टा वैल्यू से। फिलहाल इस तरह समझ सकते हो, इनमें सारे क्या हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हैं, डबल डबल इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और कैसे बिहेवियर्स होते हैं, पैराट्रोपिक। जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं नेक्स्ट, इंडीन एंड फ्लोरीन आर आल्सो एसिडिक। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इंडीन की बात करें तो ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। रीज़न है क्योंकि इसकी ब्रेकआउट करने से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही फ्लूरीन का भी हाइड्रोजन ये क्या है, एरोमेटिक है, ये एनायन बन जाएगा। तो इस रिंग के जो 5 मेंबर रिंग है ये भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करने लगेगी। ऐसे ही बच्चों इंडीन के अंदर भी ये जो है एनायन बनते ही पूरा साइक्लिक डिलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें इनके बच्चों कंपैरिजन करना है पीके वैल्यू से, 20 है इसकी, 23 है। तो जैसे जैसे बच्चों रिंग बढ़ती जा रही है तो इसकी पीके वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब इधर को जाने पर इन एच की एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। पीके वैल्यू बच्चों ज़्यादा होती है तो बेसिसिटी की तरफ हो जाते हैं, पीके वैल्यू कम होती है, पीएच की तरह पैरेलल मान के चल सकते हो आप। पीएच कम होती है तो क्या होता है, सब्सटेंस एसिडिक होता है, पीएच लार्ज होती है तो क्या होता है, बेसिक होता है। ऐसे पीके चलता है बच्चों, तो ये मोस्ट एसिडिक है, इजीली एच प्लस हो कर रहा है। रीज़न क्या है इसका, कि इधर को जैसे जैसे रिंग नंबर ऑफ फ्यूज रिंग इंक्रीज हुई है, यहाँ पर एक ही रिंग थी, यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, 2 रिंग हो गई, यहाँ पर 3 रिंग हो गई। तो यहाँ पर जो इफेक्ट रहता है बच्चों, जैसे जैसे इससे पहले हमने बात की है, रिंग नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होती जाती हैं तो वहां पर बच्चों पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इसकी जो 5 मेंबर की जो रेजोनेंस एनर्जी और कम हो गई होगी तो इसको लेस इंपॉर्टेंस हो गई एरोमेटिसिटी की। यहाँ पर तो 3 रिंग्स हो गई तो इसकी और लेस इंपॉर्टेंस हो गई एरोमेटिसिटी की। इसी एच प्लस का निकलना इधर को डिफिकल्ट होता जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक बच्चों ये कंपाउंड हो गया। यहाँ पर इसकी रीजनिंग जो लिखी हुई है, एनिलेशन जिसे कहते हैं, एनिलेशन का जिसकी पीछे डेफिनेशन की हमने बात की प्रीवियस वीडियो, एनिलेशन काज द इलेक्ट्रॉन टू बी लेस अवेलेबल टू 5 मेंबर रिंग। तो एनिलेशन की वजह से नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज हो गई तो वहाँ पर उसके लिए लेस अवेलेबल हो जाएगा लोन पे, और उसकी एरोमेटिसिटी की इंपॉर्टेंस कम होती जाती है पर रिंग, क्योंकि पर रिंग हमने एरोमेटिसिटी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी प्रीवियस वीडियो में निकाली थी वो कम आ रही थी जैसे जैसे फ्यूजिंग बढ़ती जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू साइक्लोपेंटाडाइन साइक्लोहेप्टाट्राइन विच हैज नो अनयूजुअल एसिडिटी। साइक्लोहेप्टाट्राइन बच्चों इसके कॉन्ट्रास्ट साइक्लोपेंटाडाइन में हमने क्या देखा बच्चों, ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें साइक्लोहेप्टाट्राइन की, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं हो रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक फिर भी है, क्योंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन केवल एरोमेटिसिटी से ही दी जा सकती है कि ये एनायन क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें इसके एनायन आने से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल 1 2 3 4 मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया बच्चों, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। इसे जबकि यहाँ पर कितना हो रहा था बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे इसके ब्रेकआउट होने पे, तो ये तो एसिडिक था, लेकिन साइक्लोहेप्टाट्राइन एसिडिक नहीं रहेगा, ये एच प्लस रिलीज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि किधर को जा रहा है, ये तो एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ को जा रहा है, और एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये लेस एसिडिक लेस स्टेबल रहेगा इसका एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइन का एनायन। जबकि यहाँ पर अगर इसका कैटायन बनेगा, अगर कैटायन बने हाइड्राइड आयन निकल जाए, यहाँ पर कैटायन बन जाए तो बच्चों इसके अंदर कितने हो गए फिर, 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कैटायन बन जाए, डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो बच्चों कितने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फर्दर हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो ट्रोपिलियम इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन, इसलिए हाइड्राइड अगर निकले यहाँ से एनायन, क्योंकि ये क्या बन रहा होता है,
इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, एनायन बनेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके अंदर, अगर ये एच प्लस इधर को ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर हो रहे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि फॉलो कर रहा होता है 4 इलेक्ट्रॉन रूल, एंटी एरोमेटिक, तो ये एनायन नहीं बनना चाहेगा, जबकि क्या बनना चाहेगा, कैटायन बनना चाहेगा। तो 34 हैज बीन प्रिपेयर्ड इन सोल्यूशन, इट इज लेस स्टेबल देन 31, ये लेस स्टेबल होता है किसके कंपेरिजन में, 31 के कंपेरिजन में, क्योंकि हमने 31 इसको बताया था साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन को। सो साइक्लोहेप्टा, क्योंकि यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल इन सिस्टम 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये तो आराम से एरोमेटिक बन रहा है, तो ये तो स्टेबल है, तो इजिली जो है ये एनायन फॉर्मेशन हो जाएगा, एच प्लस आसानी से ये लूज कर देगा, जबकि साइक्लोहेप्टा ट्राइन वाला एच प्लस लूज नहीं कर रहा, वो एरोमेटिक नहीं बन रहा है, बल्कि वो तो क्या बना है, एंटी एरोमेटिक बन रहा, जो कि लेस स्टेबल होगा। लेकिन मैं जो ट्रोपीलियम ब्रोमाइड विच कुड बी कम्प्लीटली कोवेलेंट इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ब्रोमीन वर सफिशियंटली अटैच टू द रिंग इज एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड। बच्चे यहाँ से BR निगेटिव आसानी से निकलता है, ब्रोमीनियम आयन निकलने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बन गया पॉजिटिव, प्लस चार्ज आ गया, तो इसका अगर देखोगे यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 4 और 6, तो टोटल कितने हो रहे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, तो इसे कैटायन बनना इजी, इसीलिए BR निगेटिव इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और ये कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ना कि कोवेलेंट, क्योंकि ये आसानी से ब्रेकआउट होकर के एनायन की फॉर्म में रह रहा है, और ये क्या हो रहा है, कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड एच प्लस नहीं निकाल पा रहे, लेकिन BR निगेटिव निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये कैटायन बन के कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि अगर यहाँ पर H प्लस निकाल पाएंगे तो एनायन बनेगा, और एनायन बनाना इजी नहीं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं टोटल, जबकि ट्रोपीलियम ब्रोमाइड से BR निगेटिव निकालना इजी है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, और वो एरोमेटिक रिएक्टर शो कर रहा होता है। ऐसी ट्रोपोन बच्चों क्या है, इसमें भी थोड़ा सा एरोमेटिक रिएक्टर रहता है, ट्रोपोन किधर को ब्रेकआउट रहेंगे, कार्बोनिल से इधर को, ये O निगेटिव रहेगा और प्लस डायपोल जनरेट हो गया बच्चों, क्योंकि ये जो है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 3 डबल बॉन्ड्स आ गए, तो कहने का मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कॉन्जुगेशन है साइक्लिक कैटायन की वजह से, तो कॉन्जुगेशन भी क्रिएट हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों क्या आ जाता है, एरोमेटिक करेक्टर इसमें रहेगा ऐसी ट्रोपोलोन में। लेकिन इनके कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करेंगे बच्चों साइक्लोपेंटाडाइनाइन की, ये तो अनस्टेबल कंपाउंड है, रीजन जब इसको ब्रेकआउट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ड्रा करेगा, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो इस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं टोटल, ये हो रहे होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक, तो इसलिए ये कंपाउंड 38 अनस्टेबल है, जबकि 36 सिमिलर कंपाउंड है कीटोन कंजुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड में, लेकिन क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहे होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं और कंपाउंड बन रहा होता है एरोमेटिक, तो इसलिए वो पोलराइज रहता है ऑक्सीजन की तरफ को और इजीली स्टेबल है। इन सार कॉन्ट्रास्ट टू 36 के कॉन्ट्रास्ट साइक्लोपेंटाडाइनाइन डाइनोन हैज बीन आइसोलेटेड ओनली इन आर्गन, मतलब ये काफ़ी अनस्टेबल है, केवल इसको आर्गन के साथ ही लोअर टेम्परेचर पर आइसोलेट किया गया है, जबकि वो कंपाउंड स्टेबल हो पा रहा है इजिली, क्योंकि वो एरोमेटिक जो रिंग है उसकी एरोमेटिक बन रही होती है। ऐसे बच्चों फेरोसिन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन दो लगे हुए हैं उसके अंदर, तो ये मेटालोसिन्स फेरोसिन जो है क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम आगे बात करें, तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि इसका ऑक्सीजन जो है अच्छे से पोलराइज रहेगा, और ये कीटोन क्या है बच्चों, और सफिशेंट स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर आ गया होता है एरोमेटिक करेक्टर। इसके अपोजिट अगर इसकी बात करेंगे हम, तो इसमें क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं एंटी एरोमेटिक, इसलिए ये कीटोन जो है काफ़ी अनस्टेबल है और इजीली आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमने बच्चों यहाँ पर देखा ब्रोमीन निगेटिव निकाला है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस करना काफ़ी इजी है, क्योंकि BR निगेटिव निकलेगा तो यहाँ पर रह जाते हैं टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाते हैं, अगर BR निगेटिव निकल रहा होता है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है, साइक्लोहेप्टाट्राइन जो है बच्चों एसिडिक नहीं है, क्योंकि एच प्लस निकलेगा तो ये जो एनायन बन रहा होता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, और ये क्या हो रहा होता है एंटी एरोमेटिक हो रहा होता है, लेस स्टेबल है।
अच्छा, ये एग्जांपल की हमने बात की, यहाँ पर एसिडिटी इधर कोई हाइड्रोजन्स की डिक्रीज हुई है, रीज़न क्या रहा है, एनिलेशन कारण रहा है उसका। एनिलेशन का मतलब जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होती जाती है फ्यूजिंग, तो पर रिंग रेजोनेंस डिक्रीज होता जाता है, तो इनकी जो एरोमेटिसिटी है पर रिंग की वो क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंस उसका कम होता जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगा दें बच्चों, और एक तो एरोमेटिक है एच प्लस निकलेगा इधर को, एक तो बच्चों हो रहा होता है ये स्केलेटन क्या हो रहा होता है, एरोमेटिक हो रहा होता है, एनायन आती है यहाँ पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये कंपाउंड जो है क्या हो जाता है, एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्रेटर देन नाइट्रिक एसिड, तो इसकी नाइट्रिक HNO3 से भी ग्रेटर एसिडिटी इसकी हो गई है, HNO3 से लार्जर एसिडिक कंपाउंड हो गया है। डबल रीजन है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स तो लगे हुए हैं जो कि एनायन को स्टेबल बनाएंगे, और दूसरा ये क्या हो रहा होता है, इसका एनायन एरोमेटिक कर रहा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं इसके एनायन में, इसके एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसको बनाओगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एच प्लस निकलेगा, और यहाँ पर लगा दिया हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया CF3, तो एच प्लस रिलीज कर देता है, कितना रिलीज, इससे भी ज़्यादा एसिडिक हो गया ये। यहाँ पर जो डायोट्रोपिक जो ये टर्म चलते हैं डायट्रोपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके हो रहे होते हैं बच्चों डायमैग्नेटिक हो रहे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, जबकि पैराट्रोपिक चलती है बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एंटी एरोमेटिक उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसी बच्चों हमने यहाँ पर बात की है इसकी साइक्लोपेंटाडाइन नाइल एनायन की, बच्चों इसका जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, एच प्लस इजीली रिलीज कर सकता है, क्योंकि इससे रिलीज करने के बाद ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होते हैं, साइक्लिक है, 6 pi इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, तो ये कंपाउंड क्या हो रहा होता है, एरोमेटिक हो रहा होता है। यहाँ पर हमने कंपेरेटिव इनकी एरोमेटिसिटी की बच्चों बात की है, बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, फिर थायोफिन आ जाता है, पायरोल आ जाता है, फ्यूरान आता है, इनमें जो बीच का फिफ्थ एटम है, क्योंकि फ्यूरान बच्चों ऑक्सीजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो वो इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, थायोफिन में इजीली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए पायरोल की एरोमेटिसिटी मतलब फ्यूरान की एरोमेटिसिटी सबसे कम है, फिर है पायरोल की, और फिर थायोफिन की, और बेंजीन की तो सबसे ज़्यादा, और इनके कंपेरिजन में बच्चों अगर साइक्लोपेंटाडेनाइल एनायन है उसकी एरोमेटिसिटी इनसे ज़्यादा है, साइक्लोपेंटाडेनाइल की देखेंगे तो कितनी आई है, 24 से 27 किलो कैलोरी पर मोल है, 27, तो ये किसके बीच में आ गई है, इनका कंपैरिजन करोगे तो ये थायोफिन से कम रह रही है, थायोफिन से कम रह रही, जबकि इन दोनों से उसकी ज़्यादा हो रही होती है। तो इस तरह से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एग्जांपल्स लेंगे।